क्योंकि हम बहुत सारे सिंगरों के जानना ही पंजाब पुलिस चक के भी मार दी थी, बेअदबी भी कर दी थी, घर दिया बीबिया ने भी बेअदबी कर दी थी, लोगों का पैसा भी लुटिया जाता था, हर एक पक्षों बहुत सिख जिहड़े परेशान थे। पूरे के पूरे परिवार जो कितने छापा पै गया, माड़ी मोटी कोई हरकत हो गई तो पांच सत्त सत्त जी वो मारे भी जाते थे, उत्थे भी गोलियां चला के मरते, चक के भी मारते, डरते बंदे जो भकौड़े भी होंगे थे, तो उन्होंने सामने वास्ते मैं ये मूवमेंट नाल जुड़ गया। तो उस टाइम स्टेजा पर इस बेअंत में गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह का अवतार भी दसते थे, कृष्ण और राम का अवतार भी दसते थे। देखो हम तुम सोचो भी एक बंदे मुख्यमंत्री जो उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी दसन लग जाए या राम और कृष्ण का अवतार दस, ये तो बड़ी माड़ी गल है। जगतार सिंह हवारा जो मेरे को आंदा भी था, उसकी पंजाब भी थी मेरे को, असं इकट्ठे रेंदे थे, सारे इस मूवमेंट में जुड़े हुए थे। तो उस टाइम 31 अगस्त में जोड़ा है जिद बलवंत सिंह, दिलावर सिंह मनुखी बंब बनया, गुरमीत सिंह, लखविंदर सिंह, नवजोत सिंह, ये सारे जोड़े सिंह अपने विकास सिंह तारा, परमजीत सिंह, चमेरा मनोज सिंह शेर, असं सारे ने जो मिल के असी एक योजना बना के ये धमाका करके उसमें खत्म कर गया। सिख कौम को एक राहत मिल गई, ना तो उस तो बाद कोई मुंडा चक्या गया, ना कोई मारिया गया, ना कोई मुकाबला हुआ। हुण तुसीं उह देखो भी जेकर वह ना मरदा तो अज तक भी वह मुकाबले जोड़े है सिख कौम के लिए नौजवानों के होंगे रहे। देखो अपने धर्म पिछे तो देखो लड़ना पैना, जे अपने धर्म में कोई खतरा था तो उसे तो कुरबानी देनी पैनी, साढ़े गुरु का भी हुक्म है भी जे कौम को लोड़ पैंदी तो कुरबानी दो। पाड़ते थे लटकाते थे, बाकी बेलने घुमाते थे, हद तोड़ते छे कुछ नहीं था, बहुत बुरी हालत करी है मेरा शरीर एक बार, मैं ये लगता भी शायद मैं ना भी बचा। मैंने चक्या SSB सहूलता का सरहद, SSB DD था मेरे ख्याल भार्गव नरेंद्र भार्गव, रणजीत सिंह ढिल्लों एक अफसर थे। आवाज़ कौम टीवी देख रहे सारे दर्शकों मेजर सिंह वालों वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। तो स्वागत करता हाँ मैं भाई शमशेर सिंह शेरा जी का। अज असी गल करांगे 31 अगस्त 1995 की, जदों पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह नू कतल किया गया सीगा। तो साढ़े नाल मौजूद ने इस टाइम भाई शमशेर सिंह जी शेरा, भाई शमशेर सिंह जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी वाहेगुरू जी की फतेह। भाई शमशेर सिंह जी असी पहले तुहाडा स्वागत करते हैं कि अज के प्रोग्राम विच। ते भाई साहब जी असी जानना चाहवांगे जिहड़ा 31 अगस्त 1995 नू सबब बनिया सी, जिहड़ा पंजाब दे मुख्यमंत्री बेअंत सिंह नू कतल किया गया सी बंब कांड दे नाल, ते तुसी इस दे विच किस तरह जुड़े, तो इस तो पहलों जी थी इस मूवमेंट के खाड़कू मूवमेंट के किस तरह जी है कि पहुँच हुई सी, किस तरह तुम आए थे? भाई साहब जो 1984 के अटैक होया दरबार साहब से, अकाल दल में ढह ढेरी कर गया, उस टाइम मैं अरब कंट्री से नौकरी करता था, उस टाइम असं उत्थे वीडियो टैलीविजन से जो BBC चलता था वो सानू रंगीन बड़ा दिखाया गया, वो बहुत भयंकर यह जी चीज़ें देखिया असं, बहुत लाशां देखिया, लाशां भी देखिया असी, बाकी अकाल तख्त सू सब पता ही है भी ढह ढेरी कर गया, वो मन बड़ी ठेस लगी। उस तो बाद जिहड़ा दिल्ली में कांड होया बहुत सारे सिंघां बुरी तरह मारिया गया, उन्होंने तो बहुत बीबिया के भी बेपत्ती करी गई। उस तो बाद जो सा मन है जोड़ा वो अपने एक सिख होने के नाते बड़ा दुखी होया। उस तो बाद मैं 1985 के मैं उतों नौकरी छड़ के पंजाब आ गया। पंजाब आने के बाद जब देखा इतने आके देखा, क्योंकि माहौल जोड़ा सी बहुत बहुत भयानक था उस टाइम, क्योंकि बहुत सारे सिंघां रोजाना ही पंजाब पुलिस चक के भी मार दी थी, बेअदबी भी कर दी थी, घर दिया बीबिया ने भी बेअदबी कर दी थी, लोगों का पैसा भी लुटिया जाता था, हर एक पक्षों बहुत सिख जोड़े परेशान थे। उस टाइम जोड़े मुंडे भकौड़े हो जाते थे, उन्होंने नाल बीबिया होंदिया थी, वह आप भी खुद होंगे, उन्होंने खाना पीना या रहना सहना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि माहौल ही इदा का हो गया था, क्योंकि सरकार का कम ही हो गया था कि सिख कौम खत्म कर रहे नौजवानी।
उस टाइम होर तो नहीं कि सिख होने के नाते मैं सिर्फ इस मोमेंट नाल इस करके जुड़ गया कि इन जो बंदे भगौड़े सिख हुए हैं इन्हों कोई पनाह देनी चाहिए रखने से सामना चाहिए ताकि इन्हें जान बच सके अपना टाइम खाना पीना भी खा सकते भुखे मर गए बड़े बुरे हालत रहे उस टाइम असं देखा बीबियों दी नाल होंगी थी क्योंकि परिवार के भी जिते छापा पै गया जिस परिवार का कोई मुंडा एक बार चुके गया वह तकरीबन सारे ही परिवार है जोड़ा भगौड़ा ही हो जाता था बाकी पूरे के पूरे परिवार जो कि छापा पै गया माड़ी मोटी कोई हरकत होगी तो पांच पांच सात सात जी वो मारे भी जाते थे उत्थे भी गोलियां चला के मारने चक के भी मारने डरते बंदे जो भगौड़े भी होंगे थे तो उन्होंने सामने वास्ते मैं ये मोमेंट नाल जुड़ गया तो मेरे को बंदे जोड़े सी जो भगौड़े थे वह बब्बर खालसा के नाल मेरा संपर्क हो गया तो मैं एक सिख होने के नाते उन्होंने सेवा करता था या उन्होंने अपने को सामभता था यह मेरा दौर चलता था चलते चलते बच्चे फिर 1995 के बीच भी जदों सरकार बन गई बेंत की फिर भी बहुत जुल्म हो रहा है रोजाना एक दो मुकाबला रोज़ हों होर भी बनिया दुर्घटनावान जो पुलिस करती थी बहुत बुरा हाल करती थी तो उस टाइम स्टेजा से इस बेअंत में गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह का अवतार भी दसते थे कृष्ण और राम का अवतार भी दसते थे देखो हम तुम सोचो भी एक बंदे मुख्यमंत्री जो उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी दसन लग जाए या राम और कृष्ण का अवतार दसन लग फिर तो बड़ी माड़ी गल है इस करके जोड़े है उस टाइम जगतार सिंह हवारा जो मेरे को आंदा भी था उसकी पनाह भी थी मेरे को असं इकट्ठे रेंगे थे सारे इस मूवमेंट जुड़े हुए थे तो उस टाइम 31 अगस्त में जोड़ा है जिद बलवंत सिंह दिलावर सिंह मनुखी बंब बनया गुरमीत सिंह लखविंदर सिंह नवजोत सिंह यह सारे जोड़े सिंह अपने जगतार सिंह तारा परमजीत सिंह मेरा मनोज सिंह सिंह असं सारे ने जोड़े मिल के असी एक योजना बना के एक धमाका करके उसमें खत्म कर गया उस तो बाद अज तक इस ठीक है साड़ी कुरबानी असं जेल भी रोल रहे हैं बहुत बुरा हो रहा है लेकिन सिख कौम को एक राहत मिल गई ना तो उस तो बाद कोई मुंडा चक्या गया ना कोई मारिया गया ना कोई मुकाबला होया हुण तुसीं उह देखो भी जेकर वह ना मरदा तो अज तक भी वह मुकाबले जिहड़े है सिख कौम दे विच नौजवानां दे हुंदे रहिणे भाई शमशेर सिंह जी जिवें तुसीं दस्सिया कि तुसीं सारा वृतांत देखिया 1984 दरबार साहब ते अटैक होया जो नवंबर 84 दे विच दिल्ली दे विच कदसे कतलेआम होया उस टाइम तुहाडी उम्र किन्नी सी जदों तुसीं इस मूवमेंट नाल जुड़े ते दूजा उस वक्त तुसीं कित्थे सी जदों दरबार साहब ते अटैक होया ते जदों नवंबर 84 दा कांड होया उस टाइम मैं बहरीन दे विच कोई भी 30-31 साल की उम्र सी 30-32 साल की उम्र होगी बस इन्नी उम्र थी मेरी 30-32 साल के गेड़ विच जदों मैं बहरीन था उस टाइम जदों 1984 अटैक होया वो असीं सारा उत्थे टैलीविजन ते क्योंकि पंजाब च तां दिखाया ना हिंदुस्तान से टैलीविजन उस टाइम तो ब्लैक टैलीविजन होते होंगे ही बहुत घटते ना गौरमेंट की पाबंदी थी मिलिट्री रात किसी ने कुछ नहीं दिखाया लेकिन बाहर वो पूरा दिखाया गया इदा ही बंब बजते दिखाए टैंकों नाल होर लाशां उत्थे बहुत जो भी होया सब कुछ तकरीबन बीबीसी ने बहुत क्लीयर दिखाया वो मन में ठेस लगी उसके बाद 1990 के जो दंगे हुए दिल्ली के उन्होंने भी फिर देखिया वीडियो उत्ते टैलीविजन जो दिखाइया गई बाहर बीबीसी ने वो ना बड़ा मन धक्का लग्या एक सिख होने के नाते फिर थोड़ा पता भी फिर मुश्किल था मैं आके पंजाब इधर आया 85 के फिर उ आके देखा तो ये मूवमेंटा चलती थी मूवमेंट ना जुड़ गया मूवमेंटा के किस तरह लोगों की सेवा करते एक जिक्र किया कि इतने आके भी पीड़ित होंगे से परिवारों के परिवारों के जो केस पेंदे तो उदो औरतों के नाल जी की दशा होंगी सी औरतों की वो तुम किस तरह मदद करते उस तरह के जो बंदे भगौड़े हो जाते थे ना उन्हें बीबिया भी होंगे थी बच्चे भी होंगे थे हूँ उन्होंने देखो जगह कितने रहने हर एक कोई दिता नहीं था इसी समझा कि एक सिख होने के नाते ये जो सिख है कौम वास्ते लड़ रहे हैं इस किसी अपने मसल का तो कोई नहीं लड़ता था एक तो एक कौम वास्ते लड़ रहे दूसरे इन्होंने जब पुलिस चक लेंदी थी मार देंदी थी परिवार के परिवार खत्म कर देते डरते भी थे कुछ मूवमेंट नाल लड़ते भी थे देखो अपने धर्म पिछे का देखो लड़ना पैना जे अपने धर्म में कोई खतरा था तो उसे कुरबानी देनी पैनी साढ़े गुरु का भी हुक्म है भी जे कौम को लोड़ पैंदी तां कुरबानी दिओ तो वह मुंडे जिहड़े भगौड़े होंदे थे उन्होंने सामना यह भी साड़ी एक मूवमेंट भी मान लिया भी साड़ी भी कौम की सेवा थी जब भी असं कहते चलो जो असं उन्होंने रोटी पानी खिलाऊंगे उसको रखोंगे थार दूंगे उन्होंने बीबिया सामोंगे ये भी साड़ी
कौम की सेवा तो असं कौम की सेवा करिए ना कि असं कोई कार्य करे या कोई जुर्म करे। तो उस तो बाद जो सा जगतार सिंह हवाला नाल तालमेल होया उस तो बाद किस तरह अपना जो काम करते रहे? जो जगतार सिंह 87-88 के भगौड़ा होया ना उसके बाद सीधा मेरे नाल इहदा संपर्क हो गया था। बाकी वो मेरे को रहिंदा था होर भी सिंह रहिंदे जिहड़े रहिंदे थे चल रहिंदे थे। उस तो बाद जब 95 के एक कांड होया उस तो पहला यह जगतार सिंह हवाला मेरे को 3-4 महीने पहला आया इन्हें दसिया कि भाई हुण आपां नूं इह कार्ज करना पैना क्योंकि इहनूं वी स्टेजां ते वी दसण लग गए बाकी जुल्म बहुत हो रहे रात मुकाबले होने उहदे विच फिर दिलावर सिंह जी बलवंत सिंह रखविंदर सिंह गुरमीत सिंह ते जगतार सिंह तारा परमजीत सिंह और एक दो सिंह जिहड़े आए पिछ जिहनूं 10 साल की सज़ा हुई है नसीब सिंह चले गया नवजोत सिंह को बरी हो गया इन्होंने सारे ने मिल के एक योजना जो बनाई है जगतार सिंह हवाला उस टाइम गब्बर खालसा का मुखी था जिदा भी उन्हें योजना बनाई जिदा जिदा भी किसी को कुछ काम सौंपया उन्हें सारा करया एक कार्य जो है सिरे चढ़ गया इस दे विच यही चीज़ होगी। उस तो बाद सानू इन्नी कु खुशी होगी कि उस तो बाद मुकाबला नहीं होया। अच्छा 2-3 महीने पहले इन्होंने एक वकील जोड़ा है खालड़ा वो भी चक के मारा पुलिस ने देखो एक मनुखी अधिकार के वकील में चक के घर तो जाके तो परिवार के सामने उन्होंने खत्म कर दिया कुछ नहीं कर सकी सरकार कुछ नहीं बोलता ना कोई क्यों नहीं बोले सब डरते थे। लेकिन जिदन तो बेअंत सिंह मारिया गया ये सारे अपने बाहर लोग आवे अज का पोजिशन देख रहे जी अज की तुम हिसाब लाइए समेत सहनी है होर है इन्हें पर केस पैने हम लोग बोलते हो आप भी दसने कि किन्ने बंदे मारे हैं लेकिन यही मनते थे जो इन्हें सामने कोई बोल देंगे ये तो हम क्लीयर हो गया ना भी कि जुल्म होगा हूँ तो क्लीयर होंगे मैं रहने तीन बंद तो जिमें दसाया कि एक पूरी टीम काम करती थी तो वो टीम के काम लाए हुए थे सारे के कि वक्रो वक् काम से जल मिल के सारा करते थे ट्रैक के सारे का अलग अलग काम था अलग अलग इतने तक भी मैं दसा कि मैनू ना तो कद गुरमीत सिंह ना लखविंदर सिंह ना दिलावर सिंह ना बलवंत सिंह ना जगतार सिंह तारा ना परम मैं कोई मिले नहीं। मेरा काम तो जिनकी मेरी ड्यूटी लगी मैं अपना कार्य करते जगतार सिंह हवाला मेरे को रहता इसके पुराने कट्ठे की ड्यूटी होंगी सी मेरा तो यही ड्यूटी थी भी जो उ बरूद लिया के देना था उन्हें मैं लिया के देता मेरी जी ड्यूटी जिनी लाई मैं तो उन्ना काम कर तो बाद इन्हें अपनी जगह जिसे जिसे ड्यूटी लाई है हवाले ने कहा अस जथेदार सा उस टाइम असी मनी तो पुलिस वालों तुहाडे ते की केस पाए गए जदों तुसीं पनाह दिंदे सीगे तां की किसे नूं पता नहीं सीगा वी तुसीं पनाह दिंदे हो ते कोई केस जां कोई तुहाडी गिरफ्तारी जां कोई कुछ नहीं उस टाइम? नहीं उस टाइम किसे नूं उस टाइम तो 95 तक तां इस कांड तक तां किसे नूं मेरा पता नहीं लग्गिया चलो इस करके नहीं पता लगे कि नाम है कोई इहनां नूं इह जी कोई लीक होई ना कुछ मैनूं मेरे पर परमेश्वर की कृपा रही भी किसे नूं कुछ नहीं पता लगे मेरे को जो रहिंदे थे बीबियां भी रहिंदे बच्चे रहिंदे थे या सिंह रहिंदे थे किसे नूं कोई पता नहीं लग्गिया 95 जो मैं चक्या गया। हाँ यह हैगा भी असं CBI ने भी नूं भी पता था बाकी इन्होंने लग गया जो पता मेरा इन्होंने मैं 29 सितंबर चके। अच्छा कितों चुका घर तो चक के ले गए मैं 29 सितंबर पंजाब पुलिस की CBI भी पता था सारे पता था 1995 च सितंबर 29 सितंबर जाकर मैंने इन्होंने 10-11 दिसंबर पेश कर 2-2 महीने 10 दिन इन्होंने मैं लिख ले रहे मेरे जो शरीर की हालात करें मैं पता भी बहुत बुरी मेरे नाल करी है किस तरह टॉर्चर कर लत्तां पाड़दे थे लटकाउंदे थे बाकी बेलने घुमाउंदे थे इन्होंने हद तौर पर छड़े कुछ नहीं था बहुत बुरी हालत करी है मेरा शरीर एक बार मैं नहीं लगता भी शायद मैं ना भी बचा सोच ही लगा मेरा सारा शरीर यही हो गया। पर जो तुम पनाह देंदे इस मूवमेंट न जुड़े थे उस टाइम तो यह नहीं लगता कि कल जो मैं फड़िया जाऊँगा तो पुलिस मेरे इस तरह का काम करे देखो ये तो सानू पता क्यों पंजाब के बीच जो भी पुलिस किसी चक लेंदी थी वो तो मैं कहना क्या मैं सारे टब्बर मार देंदी थी उस टाइम का यही था इन्होंने जिन्ना बंदे मार देते उन्ने इन्होंने इनाम मिल जाते थे उन्ने पैसे भी बनते थे तरक्या मिलती थी इनका लालच बहुत ज्यादा तो कि अफसर ने तो ज़्यादा टॉर्चर किया तो जो कि देखो जब मैंने चकिया SSP सहूता का सरहद SSP मेरे ख्याल भार्गव नरेंद्र भार्गव रणजीत सिंह ढिल्लों एक अफसर थे उस टाइम बाकी CBI के अफसर भी पिछे आते थे इन्होंने चक्के रखा इन्होंने भी पता था सब कुछ क्योंकि सारे पता था पुलिस का एक दूसरे सारे पता ही इन्होंने चक्या मैं होर भी पिछले सारे पंजाब पुलिस के आ रहे CBI सी
चुकया उन्होंने मैं चक है 2 महीने 10 दिन मैं नजायज हिरासत में रख है फिर मेरे से केस पाया मेरे परिवार की बहुत पिछले छान बीन गया और भी बहुत परेशान करा यह जी गल नहीं परिवार दौरतों भी तंग परेशान किया हाँ जी रोज हम देखो छापा मार लेना आ गया कभी कोई पुलिस आ रही कितने कद कोई आ गया तो सारे घर की फलोड़ा फलोड़ी कर लिया बस उ कितने रोटी पानी खाने कितने बहुत परेशान करे तो फिर जो थानू गिरफ्तार कर लिया गया तुम्हें क्या भी जो 1995 यह बंब कांड होया 31 अगस्त शाम को यह सैक्ट्रीएट के चंडीगढ़ होया उस टाइम तुम कितने से मेन कौन कौन बंदा अगे गया देखो उत्थे तो मैं कोई पता नहीं है भी ये बाद चा दसन में यही पता लगे भी उस टाइम उत्तर एक जगतार सिंह तारा एक बलवंत सिंह एक दिलावर सिंह तारा जरा गली लेके गया था बलवंत सिंह अपना स्कूटर लेके गया था जो बाद मैं जब जेल चले गया फिर बंद गल करता उतर पता लगे लेकिन मैं तो उस टाइम अपने पिंडे का मैं तो अपनी खेती बाड़ी करता मैं तो अपनी खेती बाड़ी कर मैं घर था उस टाइम तो जो तुम फड़े गए तो थोड़ी जी पैरवाई है कानूनी पैरवाई कि शुरुआत की गई देखो किस तरह का माहौल रहा सारा पैरवाई देखो जिनी देर तक मैंने पुलिस ने चोरी कर रखा उस टाइम तो मेरी किसी ने नहीं करी हाँ इन्ना मैं बाद जेल जाके पता लग्या भी एक वकीलों ने मेरे ने उस टाइम एक जज के गोली एप्लीकेशन लाई थी मेरा सैशन जज केस सुनता था भी इन चुकया हो पुलिस ने भी सी बी आई ने भी पेश करी लेकिन सी बी आई ने एक लिखती देता भी नहीं साढ़े को नहीं पंजाब पुलिस को लेकिन मैं है तो दो पुलिस सी ने चुके उस टाइम मेरे पास सी बी आई भी आँगी थी पुछ गिछ भी करती थी तो जो अदालत में पेश किया गया तो कि वालों तुम्हें पेश किया गया ये पहला पंजाब पुलिस ने करे मैं पेश फिर नाले सी बी आई कट्ठे थे इन्होंने फिर मैं बाद सी बी आई ने कहते भी सू चाहिए ये अलग अलग दिन किया गया जो एक दिन कर उस दिन मैं ले जा गया पहले इन्होंने पटियाले लेके सी बी आई के जज को पेश कर दिया बाद राजबरे लेके आए पंजाब पुलिस वाले इन्होंने कहा सू चाहिए उन्होंने ले लिया लेकिन पंजाब पुलिस ने मेरे पर केस पाते मेरे माँ से पाते मेरे भरा से पाते एक रिश्तेदार से पाते पंजाब का केस पाते भी फिर थाने लैके गए हाँ उन्होंने तो पहले ही ले गए थाने चक्के लैके उन्होंने केस पाते फिर मैंने बाद पेश कर अच्छा फिर देखिए कहानी बनाती इन्होंने चुकया तो मैंने है भी अवारा भज गया जी ये ट्रक ले जाते फलाना का तू फिर बना नहीं कह तो अच्छा भाई साहब भी एक गल दसो भी जो थानू गिरफ्तार कर लिया गया थाने किन्ने दिन रखा गया तो जेल में कदों भेजा गया थोड़ा मैं 29 सितंबर तो लेकर 10 दिसंबर तक का लीगल रहा मेरे को 10-11 दिसंबर में मैंने उन्होंने पेश कर पहला राजपुरे कर पटियाले कर पेश फिर ये मैं चंडीगढ़ ही लेके गए सी बी आई का केस हालांकि चंडीगढ़ का सी बी आई चंडीगढ़ नहीं लेके गए मैंने दिल्ली लेके चले दिल्ली में 8-10 दिन रख के मैं फिर तिहाड़ जेल भेज दिया अच्छा हाँ 8-10 दिन रिमांड जिन्हें 10 दिन रिमांड लिया लेकिन 8 दिन बाद इन्होंने मैं उत्तर भेजता तिहाड़ जेल से सू उस तो बाद फिर मैं 18 तरीक न इत चंडीगढ़ आया तुसी लम्मा समा जिहड़ा कि जेल दे विच रहे हो ज़्यादातर समा तुसी जिहड़ा बड़ैल जेल चंडीगढ़ दे विच बिताया तुसी जिहड़ी मॉडल जेल तो इस दौरान सिख शख्सियतां वालों जां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जां होर जिहड़ियां सिख जथेबंदियां ने उन्हां वालों तुहानूं किन्नी कि जाने के मदद की गई नहीं जिहड़ी अकाली दल श्रोमणी कमेटी है अपनी पंजाब वाली इन्हें तो बिल्कुल भी साड़ी कोई मदद नहीं ना किसी होर संप्रदाय ने किसी ने नहीं करी बाकी जे साड़ी मदद करी है तो सिर्फ एक तो अवतार सिंह हित ने स्टार्टिंग अभी उन्हें साड़ी बहुत मदद करी है असं तो धन्यवाद करने या एक बार एक साल बीबी जगीर कौर बनी थी गुरुद्वारे प्रधान उन्हें भी 3-4 बार सू राशन पानी भेजे पर पैसे भी थोड़े अपने गजर भी भेज दें दी इन्हें भेजे सानू देखो जोड़े चीज़ें करिए बाकी तो होर श्रोमणी कमेटी ने या अकाली दल ने किसी ने साड़ी मदद करी नहीं हालांकि उन्होंने फर्ज बनता था कौम का काम था इन्होंने वास्ते सब कुछ था लेकिन इन्हें तो सू पुछे ही नहीं पर 2013 के जदों गुरद्वारा अंब साहब भुख हड़ताल शुरू हुई भाई गुरबख्श सिंह वालों लगातार भुख हड़ताल चली है तो उदो जी है कि थोड़ी पैरोल शुरू हुई है थोड़ी लखविंदर सिंह की गुरमीत सिंह की तो उस टाइम जी कि संस्थावान किस तरह आके बर्ताव किया है तो जोड़े साल तुम लगातार जेल के रहे हो उदों तुम्हारा कि माहौल तुम महसूस करते कि अपने आप से तुम देखो जिदन तो असं जेल चले गए ना एक सिर्फ सानू एक चहल वकील
चलो वो नाल जो भी उन्होंने होर वकीलों के वो तो है तो जो लेकिन एक कंटिन्यू जी साढ़े वास्ते धन्यवाद चहल साहब का भी करते हैं जिन्हें सानू स्टार्टिंग तो लेकर अखीर तक साढ़े केस लड़ने तक उन्हें साड़ी पैरवी करी। चलो जो दुख तकलीफ हों सू वह भी करते थे। अच्छा उस तो बाद पुलिस सानू बहुत मेरे परिवार को तंग करती थी। अज वो बेचारा नहीं राजपूत वकील रहा और राजपूत वकील मेरा केस स्टार्टिंग मेरे न जुड़िया था उन्हें भी मेरी मदद करी है। उन्हें यह मदद करी है कि हाईकोर्ट मेरे केस ला के ना हाईकोर्ट के रिटा ला के मेरे परिवार को जी पिछों भी पुलिस तंग करती थी उन्होंने हटा दी। चलो फिर हाईकोर्ट ने ऑर्डर करते भी तंग ना करो जब मैं अंदर चले गया मैं जो पूछना मैं तो पूछ लो पर लेकिन मेरे परिवार को तंग करते थे। उन्हें वो वकील अच्छे तक बेचारे वो डैथ हो गई नहीं रहा उन्हें मेरा हाँ बड़ा भारी काम कर नहीं क्योंकि मेरे परिवार तक मेरे तो अंदर जाने के बाद भी परेशान करती थी कहीं तलाशी करना है कहीं कुछ आता कहीं कोई कभी कहा तुम्हें पता ही है पुलिस का जो रवैया था भी वो उन्हें मेरा बड़ी मदद करी। बाकी जगीर कौर ने तुम्हें मैं दसिया भी इन्हें भी साड़ी मदद करी है। बाकी जब तो असं छुट्टी आए 13 तो बाद उस तो बाद साड़ी सिखर लिफा मेरी जी मदद है वो सिखर लिफा ने करी है फाइनैंशियल तौर पर भी करी है। चलो हूँ मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता जोड़ा मेरा मकान है ये भी उन्होंने बनवा लिया अरे जब जिन्ना भी बन गया देखो बन गया जो रह भी रहा काम हाल था वही करूँगा काम उन्होंने करना मेरा उन्होंने मेरी जी है माँ फड़ी है सिखर लिफा ने मैं तो उन्होंने बड़ा धन्यवाद करना। चलो कोई भी संपर्कता हुई है उन्हें मेरी मदद करी है इस करके अज असी बड़े ठीक हैं उन्होंने धन्यवाद करने हूँ भी वो करते हैं यह जी करनी है साड़ी मदद जी को। तो अच्छा जी गल आती है कि जो भी थोड़ी तो कोई पैरोल की एप्लीकेशन लगती सी तो जी रिपोर्ट नैगेटिव चली जाती सी बाहर नहीं लिया चाहते की वो सारा मसला क्यों इस तरह आता सगा जबकि 2013 तो बाद लगातार जरा कि बाहर आ रहे। देखो 2007 तो लेके असी सत्तवें महीने सारा फैसला हो गया 2007 से उस तो बाद असी दो तीन महीने बाद साड़िया एप्लीकेशन जो जेल आए हैं वो छुट्टी वास्ते भेजते थे जो सा कानूनी हक बनता था हक बनता सा छुट्टी का रोल वास्ते असं भेजते थे लेकिन उस टाइम साड़ी अकाली दल की सरकार थी उन्हें सानू 2007 तो लेके 13 तक जिनी बारी भी असं छुट्टियां भेजिया 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद जब कैंसल करके भेज देते फिर दोबारा लिखते थे जो शायद दोबारा करना है जे असी रोलों वास्ते लिखे वह भी साड़ियाँ नैगेटिव इन्हें खराब करके भेजिया जे असी रिहाई के 14 साल बाद भेजिया वह भी इन्होंने खराब करके भेजे लेकिन जब 13 आया 13 के भुखड़ता रखी कौम इकट्ठी हुई कौम ने संघर्ष कर दबाव पाया फिर साड़ी छुट्टी हुई उस टाइम भी कह सरकार नहीं कि नहीं उस टाइम कह उस सरकार पर फिर कहना मतलब प्रैशर के तहत सारा कुछ प्रैशर के तहत जब देखो साड़ा हक बनता वा साढ़े हक में मारिया जा रहा था ता कौम गुरबख्श ने भुगड़ता रखनी पी तो जोड़ा है वो साड़ी छुट्टी शुरू हुई और अज तक असं छुट्टी आ रहे तिने बंदे हालांकि बंदे 6 तो उस टाइम छुट्टिया ने भुलर भी भी छुट्टिया हो शुरू हुई लाल सिंह जी हम रही भी होगी जहाँ खेड़े दी ये सारे 6 बंद वास्ते ने पहले 3 वास्ते फिर 6 के वास्ते हो गया साड़ा भी रिहाई वास्ते उन्हें कहा था लेकिन उस टाइम सरकार कहती थी रिहाई भी करूंगे पर लेकिन बाद च मुकर गई। तो उस टाइम अकाल तख्त साहब के सिंह साहब भी ऐसे ज्ञानी गुरबचन सिंह थे उन्होंने की गलबात की देखो हूँ उस टाइम ज्ञानी गुरबचन सिंह ने गुरबख्श साहब नाल भी उन्होंने की गल हुई थी उन्हें छुट्टियां कराइया कहने रिहाई होगी हालांकि मैं जब पहली छुट्टी आया मेरी फोन नाल भी जथेदार जी नाल गल हुई है वो कहते थे असं थोड़ी छुट्टियां भी हुई थोड़ी रिहाइया भी कराऊंगे। चलो एक अकाल दल का जथेदार जब एड्डी गल कह दे तो वो मननी पैनी सर बिल्कुल वो यकीन भी करना पैना हूँ असं अपने जथेदार से यकीन नहीं करूँगे वह नहीं कहना मैं गोल कि मनूंगे अभी सरकार का मनी ना मनी लेकिन असं जथेदार बना कभी भी किंतु परंतु कर ही नहीं सकते इस करके उन्होंने कहा लेकिन साड़ी रिहाई नहीं सानू दुख इस चीज़ का भी देखो एक जथेदार ने भी चाहे सरकार ला लें चाहे वो भी जो मर्जी ला लें उन्होंने भी झूठा पाते देखो झूठा तो जथेदार जी साहब ने पाते ना जिन्होंने साढ़े के लिए करी थी कर भी हाँ थोड़ी रिहाई होगी लेकिन सरकार ने तो उन्होंने भी नहीं मनी। तो हम तुम जेल के जो लगातार बंद रहे हो तो जेल के काम करते हो क्योंकि जेल गुरुद्वारा साहब भी आता मंदिर भी आता तो होर भी जो लोग आते हैं कि उसे ड्यूटी की निभाने देखो मैं तो तकरीबन जदों गया 3-4 महीने बाद गुरुद्वारे सेवा करना मैं तो उत्थे जो महाराज की हजूरी में पाठ करना सेवा करना गुरपुरब मना देव मनानी नितनेम करना रोज का रूटीन सेवा करनी जी मेरी प्रकाश करना सुख करना मेरा रूटीन तो कम चलता था मैं तो एक
महाराज का शुक्र गुजार कर मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। हूँ तक मेरी सेवा चल रही, सिर्फ साल दो साल जब असी जेल ब्रेक हो गया ना, उस तो बाद थोड़ा सामने बख करता था, लेकिन उस तो बाद फिर भी जितने साल सजा हुई उस बाद फिर भी मैं करता रहा, हूँ भी उठी करता। हूँ तो उत्थे का सा प्रोग्राम है, मंदिर भी नाले हैं, मंदिर के भी सारा प्रोग्राम होंगे, उसके भी सारे कट्ठे होकर करने, गुरुद्वारे भी सारे कट्ठे होकर प्रोग्राम मनाने, क्रिश्चियन भी मुसलमान भी सारे कट्ठे होते प्रोग्राम सारा। तुम किस तरह के करते हो जो गुरुद्वारे समागम करते हो या कोई होर? हाँ, हिंदू मुसलमान दसा भी होर भी है। संगरांद वाले दिन देखो सा देख बनती है, कीर्तन भी होंगे, कोई ना कोई सिंह उतार जो कीर्तन चले जाए, जिदा भी चलो सुगनी वाला पाठ भी होंगे, अपने कई बंदे पाठ भी करते उत्थे, उन्होंने भोग भी पाया जाता, गुरपुरब मनाए जाने, हर ऐतवार को सुगनी का पाठ करते, कीर्तन करने, हर ऐतवार को करने। बाकी मंदिर भी जो प्रोग्राम होंगे शिवरात्रि का हो गया, होर भी जो कुछ होंगे वह भी करते हैं, सारे कट्ठे होकर करते, कोई तो सूँ यह जी का मतलब ही नहीं है, सा हिंदू सिख वाला तो रौला ही नहीं सर, ना कोई मुसलमान उत्तर जो मुसलमान है वो भी ईद गुजर से मनाने से सारे कुछ कट्ठे हो गए, सब पैसे कट्ठे कलैक्शन कर लेने जेब में ला लेने। पर भाई शमशेर सिंह जी एक गल बार बार मन के उठती है कि जो थानू पुलिस टॉर्चर करती सी तो किस किस तरीके टॉर्चर करती थी, किस तरह थानू जाने के तसीहे दिंदी? देखो सारिया लत्तां पाड़नी, दो पुलिस वाले लाइया लत्तां पाड़ देंगे थे, साड़ियाँ बेलना घुमा देंगे थे, लटका देंगे थे, बस इन्ना लटका दें, मेरे तो पट भी पाड़ के मुंडा मुंडा बुरे आते थे, सारे बिंगो दिन लत्त कला पुट्ठा लटका देंगी सी, पुट्ठा लटका के गाँव बन के पिछले लटका देंगे, बस लटका बेलना घुमा, लत्तां पाड़ देनियाँ, पानी भी मूँह बन के कपड़ा पा के पानी पाई जाना, सह नहीं था तो करते, बस यानी हर तरह जिन्हें कोई आना नवे बंद ने अपनी मन मर्जी से करके चले जाना, बंदा बचो नाम बचो, उन्होंने कोई मतलब नहीं। अच्छा भाई साहब जी अजकल की गल करिए, कहने कि जेल के सारे कट्ठे ने, हिंदू मुसलिम सिख ईसाई कोई भी हो गए सारे इकट्ठे रहते हैं, पर बाहर जेड़े आ के बहुत वाद विवाद इस टाइम चली जाता, इस टाइम तुम भी जरा कि 90 दिन की छुट्टी के जो पैरोल से तुम आए हुए हो, तो अपना तुम बाहर हूँ माहौल देखते, क्योंकि 20-25 साल का तुम कुछ देखा ही नहीं, लगातार जदों दरोलों शुरू हुई ने तो कुछ नज़र आना शुरू होया। सो जो अज गुरु ग्रंथ साहब दी बेदबियां हो रही ने, किसी भी कदम या कोई भी जीडिया होंदिया ने, उन्होंने बारे तुम की सोचते हो, क्यों ये सारा हो रहा है, की करना चाहिए? देखो सच तो यह है भी राजनीतिक तौर पर बंदे जोड़े है करते हैं, जोड़ा असली धर्मी बंदा चाहे वह सिख है चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे ईसाई है, वो कोई भी किसी धर्म की बेअदबी बारे सोचूगा भी करनी तो एक पास रही, वो सोचने का भी नहीं। बाकी जरा एक सानू साढ़े पर जो असं गए हैं ना, साढ़े पर ब्लेम यही लगता था अखबारों ने भी हिंदुओं के बहुत खिलाफ हैं, बहुत मारते हिंदू, जोड़ा मेरे नाल अटैच पिंड है वो 70-75% जी आबादी इतना हिंदुओं की, मैंने मैं कहना अज भी कोई कह के दस दे, उस टाइम मैं पुलिस वालों कहना रहा भी 70-75% जी आबादी है, कोई ये कह दे कदे सानू किसी तरह का कोई कोई भी कही, हालांकि मेरे दोस्त मेरे को लगते रहे साढ़े पर अखबारों भी हिंदुओं के खिलाफ है मारते, अज तक किसी ने नहीं मारिया, ना अच्छा किसी को गाल कढ़ी ना कुछ, साढ़ा कोई मतलब नहीं है, साढ़े एक ही धर्म था, साढ़े का नुकसान होया। बाकी मुकाबले होंगे थे मुंडिया के, चक चक के मारे जाते थे, बीबिया की बेअदबियां होंदिया थी, उन्होंने रेप भी होंगे, सब कुछ होंगे थे, हूँ भी बहुत हम देख रहे हैं वीडियो अच्कल पै रही, जो पुराने सिंह मारते गए हैं उनके परिवार चक ले गए, उन्होंने किन्ने तसीह दे के मारे गया, किस तरह परिवार के घर से बंब गिर गिर के मारे गया, वो मारे गया, लेकिन क्यों थे हम ये भी नहीं मैं कहता भी सारी पुलिस खराब थी, कुछ बंदे थे जोड़े करने वाले थे, कोई बहुते नहीं है, ये थोड़े ही बंदे थे, एक ग्रुप था, बस उन्होंने एक बनाई हुई थी स्कीम अपने, वही इनाम लेंदे थे, वही पैसा कमाते थे, वही लुटते थे, वही मारते थे, जाने के जड़े के पुलिस भी बदनाम करते हैं, जी बदनाम है पुलिस, बदनाम ही हुई है पुलिस, सारी पुलिस तो ठीक, असं देखा बंदे बड़े चंगे थे, कहने का मतलब है कि चंगे पुलिस अफसर भी है जिथे माड़े लोग भी जो माड़े लोग थे ना, उन्होंने मकसद यही था भी मारो लुटो बेअदबियां करो जो कुछ मर्जी करो, तुम हिसाब ला के देख लो, हूँ केस पै रहे हैं उन्होंने पुलिस वाले पर, इन्ने बंदे मारे फलाने, हर एक ने तो मारे नहीं है, बिल्कुल साढ़े सामने सौ चैनी का केस निकल रहे हैं, इन्ने 500 बंदे मनता हो मारे
डीजीपी बनाया हूँ सब कुछ आया देखो कहते मैंने हूँ के पी एस गिरता इन्ना पैसा खर्च करा किसी ने कि नहीं पूछना हूँ पावर कही भी थी हाँ जिदन बेअंत मारिया गया पावर खत्म हो गई बस अपने आप मुकाबले बंद हो गए वो गिले डीजीपी नहीं रहा इसमें सैनी होनी था डीजीपी हाँ हूँ इन्होंने इतने जरूर गोली चलाई है बरगाड़िया जो मोर्चा लगे उस पहला जो बेअदबी बच्चे ये जो बेअदबी करिए आम बंदा नहीं करता ये कराई जाती है माहौल खराब कर मतलब सब कुछ एक सियासी तौर पर होंगे हाँ सियासी तौर पर हूँ आम मैं निशान शर्मे तो नहीं लगता अज ये बड़े बड़े बयान दिता हालांकि हालांकि कुछ नहीं किया इन जेल के छोटे छोटे चोर भी कुटते रहे उत्थे नहीं कुछ करते कितने तो बड़ा जेल बड़ा जेल अच्छा और कुछ नहीं मैं एक नवे पैसे का किसी का कम नहीं करता बोलता नहीं था किसी पर लेकिन अब बड़े बड़े क्योंकि गार्द मिली हुई है कोई खतरा कोई नहीं चलो हूँ तुम बड़ैल जेल से निशान शर्मा की गल शुरू की है तो अगर बो जेल के किस तरह का माहौल हों किस तरह उत्थे रहा हों बस पासे रखते थे जो बाहर निकलता था आवे बंदे किसी ने किसी चुगलियां मारी जाता कभी कुछ करता था इन कुट भी देंगे तो अच्छा बैंक कई बार सामने कुट देते लोग तो फिर अगर कोई रिएक्शन नहीं ये तो मैं कहना भी खाई जाता था कटाई खड़ के ये इन्ना मिंद रोकता नहीं सभी छे मुलाजम छे मैं ताही तो कहना भी यार ये अज बोलता ना ये सिर्फ गार्द करके बोलता यार ये पिछले कोई सपोर्ट नहीं बंदे मैं तुम दसदा भी बंदा बोलने साढ़े को इनू सब कुछ देखते थे सर सामने तो सर मोटिव की रखता भी कि सिक्योरिटी चाहिए होंगी है कि सिक्योरिटी मिल गई जी चीज़ चाहिए थी प्रधानमंत्री देखो असली जो शिवसेना है वह महाराष्ट्र के शिवसेना की जी बाल ठाकरे की ठीक है वो मैं देखा उत्थे जिन्ना भी लड़ाई करती है धर्म की लड़ाई करती है उन्हें किसी हिंदू मुसलमान सिख राज लड़ाई नहीं करी वो असली शिवसेना तो होती पर लेकिन हूँ यह जिन्या भी संप्रदावान बनी हुई ना सारिया बिच है नहीं मैं साढ़े भी अपने बिंदे लाले सिखी सरूप भी गलत है बिल्कुल उस करके भी ये तो है माहौल खराब करने वास्ता है बाकी ये कुछ नहीं चाहे इन्हें चाहे राजनीतिक समझ लो तुम चाहे इन्हें जिस तरह का मर्जी समझो तो हम तुम बाहर रहने थो सारे पता ही है साढ़े किसी ना क्या जीते जीत नहीं तो भाई साहब भी समा सू हमें इजाजत नहीं दे रहा समा भी पूरा हो रहा तो तुम आखिर की कहना चाहते हो लोगों जो अच की ल जी आ तरथली मची हुई है हाहाकार नट भज पई हुई है हरेक किसी कुछ समझ नहीं आ रहा भी की किया जाए देखो मैं तो एक सारी कौम सिख सिख कौम कहना तुम कट्ठे हो जाओ तुम अलग अलग एक दूसरे लत्त बह खिंची जाने अपन के दोष लाई जाने अपने बुरा भला कही जाने कट्ठे नहीं होंगे इसी कारण जेडे बेअदबियां हो रही बेअदबियां ये नहीं कर साड़ी अपनी कमजोरी है इस करके साड़िया बेअदबियां हो रही बाकी तो चाहे कोई हिंदू है चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई सिख है चाहे चाहे क्रिश्चन है सारे मैं तो यही बेनती करता भी देखो धार्मिक पक्षों कोई किसी ना यह जी गल करो क्योंकि रब तो एको है धर्म सारे का एको जहा सब अपना प्यारा धर्म है आप धर्म के खिलाफ जो हिंदू के बोलूंगे या मुसलमान की कोई यह जी गल करूँगे या क्रिश्चन की करूँगे या सिखा की भी करता दुख तो हम सारे होंगे उन्होंने भी दुख है जो सू दुख हों जो इस करके मैं खास करके मैं सारे लोगों सारी संप्रदावान भी सारे धर्म कहना भी ना यार धार्मिक पक्षों किसी को कोई यह जी जिले लवाई ना करो ता कि किसी बंदे उठ के वो बारे कोई गलत काम कदम चुकना पड़ता क्योंकि खीर में एक बारी दो बारी बर्दाश्त कर लूगा या कानूनी कर बाकी उसके बाद तो फिर एक रास्ता आता बंदे को नहीं यार जब सारे धर्म की बेअदबी फिर तो आप कोई गलत रास्ता फड़ना अच्छा भाई शमशेर सिंह जो तुम लगातार जेल च रहे हो उदो एक वक्रा माहौल से बार कोई गलबात नहीं सी कोई तुम देखते नहीं सी पर हूँ जदों तो तुम लगातार परोलते आने हो तुम अपने घर में रहने हो तो घर के फिर तुम की किस तरह अपना समा बिताने हो किस तरह तुम भी अपने जोड़ा कि अपने आप को ढाल लिया बस असी तो आके घर अपने घर के कोई क्रम जिन्ना कम साते होंगे असी घर हेल्प कर देने डंगर बछे का कम कोई पानी तानी पिलाना या होर घर की कोई समान लिया चले जाना आ जाना माहौल चंगा हो जाता घर के भी खुश हो जाने असं भी खुश हो जाए खेतीबाड़ी अपना जिन्ना क अपने देखे कोई साढ़े देखे एक तो उम्र साड़ी ज्यादा हो गई हूँ 4 साल की उम्र हो गई इन्ना तो जोर ना हों भी नहीं जिन्ना क होंगे असं करते हैं बाकी रिश्तेदार मिलने कुड़ियाँ आ जाने सब खुश हो जाने असं अपना एक माहौल यह जहाँ असं जितन गए साढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है ना अच्छ का कोई कंप्लेट है साड़ी ना असी किसी ने कोई कहा ना असी बोली ना असं कुछ कहने तो फिर हाजिरी लाने भी जाने हाँ हाजिरी लाने दो बार जाना मैं हफ्ते चलो वो जाना मैं थाने में यह जी गल नहीं है वो भी पुलिस वाले ही है
कद नहीं विचारे ने मैंने अज तक उन्होंने मैंने कोई भी यह जी गल नहीं कही। मैं भी जाना फतेह बुला सत श्रीकाल बुला उन्होंने बैठ के हाँ जी मैं आ गया वो हाजिर ला देने जी चले जिदन आना मैं अपने आप जाके दस के आना उन्होंने जिदन जाना वापस उन्होंने दस के आना छुट्टी बढ़ जाती है फिर भी उन्हें दस के आना वो मेरे को मैंने नहीं उन्होंने अज तक मैंने पछाण नहीं करे मैं उन्हें कहा भी पुलिस मैंने तंग करती है मैंने उन्हें पछाण बिल्कुल भी नहीं करे अज तक उन्होंने कदम मैं आकर रात को नहीं कदे दिन वो दिन कद नहीं कुछ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शमशेर सिंह जी। ये सन भाई शमशेर सिंह जी जिन्होंने 31 अगस्त 1995 अपने साथियों के समेत पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह इस करके मौत के घाट उतारे से क्योंकि उन्होंने वालों पंजाब की नौजवानी का लगातार घाण किया जा रहा है। सो भाई साहब ने कहा कि उन्होंने उस गल का कोई शिकवा नहीं है कोई गिला शिकवा नहीं है। भाई साहब कहते वो जो कुछ होया सो ठीक होया क्योंकि उस टाइम नौजवानी का जो घाण किया जा रहा है उस तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री जिहड़ा कि गुरु नानक देव जी ते कृष्ण राम जी का जिहड़ा कि नाम दिता जाता सी सो जो उनकी समझ तो बाहर सी। सो पर अज भाई साहब ने एक गल ये जरूर कही है कि सानू सारे रल मिल के रहना चाहिए क्योंकि किसी भी धर्म की बेअदबी होना मानवता की बेअदबी है मनुखता से एक जिहड़ा कि बहुत वड्डा धब्बा है। सो तुसी जुड़े रहना साढ़े नाल आवाजे कौम टीवी दे दर्शकों तो मैं हूँ इजाजत चाहना तो जल्दी ही नवा प्रोग्राम लैके असं तुहाडे रूबरू होवांगे। वालों सारी सिख कौम नूं कि भाई सारे इकट्ठे होकर एक निशान साहब के थले होकर अपनी कौम के वास्ते तरक्की वास्ते अपनी कौम के भले वास्ते सारा कार्य करो ता ही साड़ी सफलता होगी नहीं तो फिर जो अब तुसी देख रहे हो जो अज हालात है इस तो भी भैड़े हो जाने हैं जे असी इकट्ठे नहीं होंगे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।